वैसे तो कच्चे आम से कई सारी रेसिपीज बनके तैयार होती है, तो उसी में से आज हम एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी खट्टी मीठी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे कच्चे आम से। तो मेरे यहाँ पे इस रेसिपी को लोंजी कहते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे इस रेसिपी का कोई और नाम हो, आप किसी और नाम से इसे जानते हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस रेसिपी को बनाकर ट्राई नहीं किया है तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आप सभी का रेसिपी अदरवाइज मेघा पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 3 कच्चे आम ले लिए हैं, अच्छे से इनको पानी से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सारे आम का जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसे चाकू से इस तरह से काट देंगे, हटा देंगे उसे, और इसके बाद ये जो कच्चे आम हैं इन सभी को हम छील लेंगे। वैसे यहाँ पर ये जो कच्चे आम हैं इनका छिलका उतारना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो छिलके सहित भी ये कच्चे आम की लोंजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा कि जो लोंजी है उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग आएगा, छिलके के कारण हल्का सा कड़वापन आएगा। तो मैं इसका छिलका हटा रही हूँ, आप चाहे तो छिलका रख भी सकते हैं। तो सारे आम को छीलने के बाद अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो कच्चे आम यूज कर रही हूँ इनकी जो गुठली है वो जालीदार नहीं है, तो इसीलिए आसानी से ये कट जा रहे हैं। और इसकी जो गुठली है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो इस तरह से इसमें से बीज निकलते हैं, तो ये बीज हम हटा देंगे। लेकिन अगर आपके पास जो आम है उनकी जो गुठली है वो अगर जालीदार है तो आप क्या करें कि गुठली को हटा दें और बाकी इसी तरह से लंबाई में हम आम को काट लेंगे। अब मैं यहाँ पर आम के थोड़े मोटे स्लाइस कर रही हूँ, आप चाहें तो पतले भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो जिस शेप में इनको काटना चाहें उस शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना, 3/4 चम्मच राई, राई को अच्छे से तड़कने देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को भी अच्छे से तड़कने देंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 3/4 चम्मच सौंफ, सौंफ से इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए सौंफ ज्यादा ऐड कर रहे हैं, 3/4 चम्मच कुटा हुआ दरदरा साबुत धनिया, 1/4 चम्मच हींग। अब हम इन सभी साबुत मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने आम के पीसेस काट के रखे हैं उन्हें ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। इसके बाद अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच सादा नमक। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है क्योंकि मैंने जो आम के स्लाइस हैं वो थोड़े मोटे काटे हैं तो इन्हें थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने पतले काटे हैं तो आप कम पानी ऐड करें। इसके बाद ऐड करेंगे गुड़, तो यहाँ पर मैं ये 3 टुकड़े गुड़ के ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे थोड़ा कम मीठा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कम गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर इसे थोड़ा ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप और गुड़ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये रेसिपी जो है वो सिर्फ चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तो ढककर इसे अच्छे से हम पका लेंगे, तो बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है लोंजी की आप इसे काफ़ी टाइम तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लगभग 2 से 3 हफ्तों के लिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। क्योंकि हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए अदरक, प्याज, लहसुन,
हरी मिर्च, हरा धनिया, ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके खराब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो लोंजी है वो पूरी तरह से बनके तैयार है, लेकिन मुझे अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा है, तो मैं इसको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, थोड़ा इसका जो रसा है उसे गाढ़ा करूंगी। आप चाहें तो इसी स्टेज पे गैस को बंद करके इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो रसा है मेरी ही तरह और गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रसा भी गाढ़ा हो गया है और हमारी जो आम है वो भी काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लोंजी है वो पूरी तरह से बनके तैयार है। वैसे इस रेसिपी में आप मिठास चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और भी गुड़ या फिर चीनी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर ली। तो आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले हर फ्यूचर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।